ये है फ्रिज और फ्रिज के अंदर का सब मटेरियल। बैचलर है, बड़ी पार्टी है। ये हमारा ऑमलेट बन रहा है, मुर्गी के अंडे। मुर्गी के अंडे नहीं बनेंगे, ऑमलेट बनेंगे। वो तो हम लोग दे नहीं सकते। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का फैमिली कारवा यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हैं खड़कवासला डैम के आगे, मतलब जा तो पानसेत ही रही है, दूसरी जगह पे लास्ट टाइम किया था उसके आगे। और डीप फॉरेस्ट में जाके कैंपिंग करने वाले हैं, देखते कैसा मजा आता है अंदर कैंपिंग का। ये देखिए हमारा सेटअप, जस्ताज गाड़ियां लगाई है, सब बैचलर है, कोई फैमिली नहीं है। और इसका बाद में रिव्यू दे देंगे, एक काम की चीज। तो दोस्तों अभी बजे है शाम के 7 और हमारे देखो लाइटिंग, सबकी क्वीन सजी हुई है। लाइटिंग देखो, यहाँ पे चल रहा है कैंप फायर। ये पानी और ये देखो कलर लाइट। आज मैं गाड़ी में सोने वाला हूँ तो मैंने टेंट नहीं लगाया। ये नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, ये उनकी गाड़ी, ये टेंट। और अभी यहाँ पे बन रहा है राइस। अरे कड़ी पत्ता भी है ना, तो बात टेंशन नहीं। कड़ी पत्ता आणि टोमॅटो, जिरे मोहरी पण आहे लागले तर, जिरे मोहरी माझ्याकडे आहे, टाकून देऊ। तुम्ही सांगा काय काय टाकायचं, आपण सगळं टाकू। मिरची पण आहे। ये अभी खाने की तयारी, मॅक्सिमम घरचे लाया तो पहिले खतम कर देते हैं। हो तो अभी हमारा फोटो डिपार्टमेंट सगळा वाइफ आधा खाना हो रहा है। अच्छा आप लोग आधा बन रहा है, लोणचं खाली पीठ पराठे थांबा येणार काय होऊन दे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सेकंड डे मॉर्निंग। और ये देखिए हमारा नजारा, यहाँ से सूर्यदेव आए जाएंगे। और ये हमारी गाड़ियाँ, सब हमारे ब्लॉगर, वी ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर बने हुए, सब कैमरे निकाले, कोई फोटो निकाल रहा है। और इधर हमारी बन रही कॉफ़ी। और क्या अभी है मॉर्निंग का समय और हम निकले हैं थोड़ा घूमने। ये देखो सूर्य नारायण जी ऊपर आए हैं और ये हमारे ऊपर पाड़ा भी जो हम आए हैं ऊपर आए टॉप पे, इससे और भी ऊपर है बट शायद उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है तो उधर जाएंगे नहीं। और नीचे देखिए वो केतकर फार्म, उधर वो होटल से कुछ सूबेदार माची हिल टॉप वगैरह। और जैसे आप नीचे देखोगे तो वो है पानसेत डैम का वाटर। सुनिए बर्ड के साउंड्स। है ना अमेजिंग। अभी हमने यहाँ पे एक हरिन देखा बट वो कैमरे में आने से पहले भाग गया। मैं आपको नेचर का कमाल दिखाता हूँ। ये देखो ये पेड़,
क्या लग रहा है, पूरा सूखा पड़ा है। तो अभी देखो इस पे जो कमाल है वो अभी यहाँ पे है। ये देखो, अरे इतने खूब अच्छा इधर एक है, ये अभी फूलने वाला है। और यहाँ पे भी एक है, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, ब्यूटीफुल। ऑफिस बिल्डिंग वर गाड़ी में भरपूर आणि पोर आता ते जास्त फुलांची तो खूप आहे, खूप याला जास्त वाटतंय या फुलांना। झुक्की जाना पड़ता है, झुक्की। देखिए दोस्तों कैसे आवाज आ रहे है, हम थोड़े जंगल में आए हैं और स्लो आवाज कर रहे हैं कुछ ताकि कुछ दिखाई दे, ये बर्ड्स वगैरह बहुत सारे बर्ड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। देखो वाइट वाइट कलर के फूल, आज हमने इतने सारे फूल देखे बहुत। अभी ये नया टूल है जमीन में गड्ढा करने के लिए यूज कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, चल रहा काम तो कर रहा है। सही कोने होते क्योंकि नहीं जा रहा है ना अंदर। हाँ जा रहा, अंदर जा रहा है बट वो कितना अंदर जाएगा वो नहीं, इम्पोर्टेंट है कि एक्सरसाइज के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है पहले ना। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा चल रहा है प्रिपरेशन, अभी हम बनाने वाले आज के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। ये पहला बनेगा ये पोवा, और ये इसमें खीरा भी रहे हो वो एक्सरसाइज के लिए खाने के बाद। उसके बाद कोथिंबीर, कोरिएंडर बोलते हैं, ये ऑनियन है, कड़ी लीव्स है, यहाँ पे चिली चॉपिंग चल रहा है। काम बहुत बढ़िया होता है और फास्ट भी होता है, सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी एक्सरसाइज करके आए तो थोड़ा ऑयल भी चाहिए, जो फैट बर्न हुआ है उसको दोबारा लेना है। अभी हमने जीरा और मोहरी थोड़ा लेट डाला है तो देखा फ्राई हो रहा है, साइड में ऑनियन भी हो रहा है फ्राई। और ये देखो यहाँ पे ये अरेबिक गैस है, हम लोग हमने इसका नामकरण किया है स्पेशल अरेबिक गैस। थोड़ा टोमेटो हम लोग डाल देंगे, अनियन कट रहा है तो ये पहले अंडे में थोड़ा कम आ गया, इसको बढ़ा देंगे अभी। हमारा उधर भी देखना पड़ेगा हमारा मसाला ये ऑमलेट होगा दो में है, दो में करने हैं तो इधर आधा निकाल दिया, इधर आधा निकाल दिया, अब डाल देंगे पोहा। ये देखो हमारा पोहा हो चुका है, दो दोनों के अलग अलग कलर है, ये ज्यादा डार्क है, ये फेंट है मतलब कम तीखा और ज्यादा तीखा। तो दोस्तों ये है हमारा ब्रेकफास्ट, आप ब्रंच भी बोल सकते हो। ये इतना सारा पोहा है, ब्रेड है, ऑमलेट है, दही है। अभी मैंने यहाँ पे हैमक बनाया मतलब लगाया है, तो यहाँ पे
देखते हैं अभी हेमोक का कैसा होता है। देखो ये पानी बहता हुआ ओहड़ा है, नहा है, नहर है, कुछ भी बोल सकते हो, नाला है। बारिश में बहुत बारिश हो पानी हो रहा होगा इधर, अभी कुछ नहीं है। हेमोक कैसा लग रहा है हवा में तैरते हुए? तो इस प्रकार से हम थोड़ी देर के लिए सोएंगे। थोड़ा धूप है, नहीं थोड़ा लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, बट ठंडा ही है क्योंकि यहाँ पे नीचे है, मीठी ठंडी है और पेड़ भी बहुत सारे ठंडे ठंडे हैं इसलिए। तो देखो अभी हमारा कैसा है हमोक का बिल्डअप, कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम। इसका उद्घाटन ही आज हुआ है, दिन में सो सकते हैं। नींद बहुत अच्छी रहती है हवा में, रहते मस्त हवा नहीं, लान लान पड़ी जो झोपड़ वाले बस लेते फीलिंग है। खाली ग्रास असेल तर तू काही कर ना, कशी कर, यू डोंट माइंड। पाऊ ओके, लेट मी सी वन थिंग। ये सेट किया है ना आपने, ये नॉट कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे कैरामैनर क्लिप है। ओके, और ये डीकैथलॉन से लिया हुआ है आपने? ये डीकैथलॉन का है। ओके, नॉट फॉर क्लाइंबिंग। बात अच्छी है कि जितनी गाठ खोलेगा उतना लंबा बढ़ जाएगा, लंबा बढ़ेगा बराबर, क्योंकि इतना भी एक्स्ट्रा है इसमें। ओके ऑलराइट फाइन, सो नाउ एंड इट्स क्वाइट लॉन्ग ऑल्सो, अनलाइक अदरवाइज छोटे होते हैं। ओके हो हो, त्यांनी दाखवलं ना, मस्त मस्त आराम लगता है। ओके नाउ आपकी फरमाइश, पाउच के अंदर क्या चाहिए? इधर है मेरा पाउच। हाँ, तो पाउच के अंदर क्या चाहिए आपको? जनरली इसमें अगर ऐसे मौसम में है तो बियर ही चलेगी। अच्छा, विस्की रम वगैरह तो हैवी हो जाएगी बराबर। अभी तो गर्मी है तो ऑब्वियसली एक चिल्ड बियर के दो कैन रखना है और चिल करना है, बस है। एकदम बढ़िया बढ़िया है, मस्त है ये। अच्छा, नीचे से ही करता हूँ मैं, गुड। काफी काफी लंबा है ये और ये लोकेशन भी बढ़िया है, एकदम मीठी मीठी ठंडी है ना, तो ठंडी हवा आ रही है, राइट, ऑसम awesome।